टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि आज 31 दिसंबर है और ऐसे में नए साल की जो है शुरुआत होने वाली है। आने वाला जो दिन होगा वो 1 जनवरी 2022 होगा। ऐसे में नए साल की जो है लोग तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से नया साल मनाने के लिए काफ़ी गाइडलाइन जारी की गई है। उसी के तहत जो है नया साल लोगों को मनाने के लिए आग्रह किया गया है। और आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर दादा हरि के चौरे ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नए साल के मौके पर मुंब्रा कौसा में भारी पैमाने पर जो है पुलिस का बंदोबस्त लगाया जाएगा और साथ ही रेती बंदर नाके पर जो है पुलिस की जो है नाकाबंदी रहेगी और वाई जैक्शन पर जो है पुलिस का नाकाबंदी लगाया जाएगा और साथ ही उन लोगों पर पुलिस नज़र बनाए रखेगी जो बाइक चलाते हैं, ट्रिपल सीट चलते हैं या फिर जो है ड्रिंक करके वो जो है गाड़ियां चलाते हैं, इन लोगों पर पुलिस नज़र बनाए रहेगी। और साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि लोग अपने घरों में जो है रहकर ही नए साल का जो है जश्न मनाएं, साथ ही जो कोरोना नियम है उसके अनुसार ही लोग जो है नया साल मनाए। और मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर दादा हरि के चौरे ने गाइडलाइन के तहत रहकर नया साल मनाने के लिए लोगों से क्या आग्रह किया है आपको सुनाते हैं। सर, 31 डिसेंबर आल म्हणजे की नवीन वर्ष आहे, त्याच्यामध्ये खूप लोक गर्दी करतात, तर आपण मुंब्रा साठी आपण काय केलेत, कुठले निर्बंध आहे काय सांगणार आपण? 31 अनुषंगाने जे महाराष्ट्र शासनाने जे गाईडलाईन दिलेले आहेत त्याचे तंतोतंत पालन करणे कामी आम्ही पूर्ण मुंब्रा शहरात महत्त्वाचे जेवढे ठिकाण आहेत तेवढे ठिकाणी बंदोबस्त लावलेला आहे। तसेच आपल्या मुंब्रा शहरात प्रवेशाची जी ठिकाणं आहेत जशी वाय जंक्शन असेल किंवा इकडं प्रतिबंधन असेल त्या ठिकाणी नाकाबंदी आहे। ड्रंक अँड ड्राईव्ह जर कुणी करून गाडी चालवताना मिळालं तर ते त्यानुसार कारवाई केली जाईल, किंवा ट्रिपल सीट कुणी फिरत असेल तर त्याच्यावरसुद्धा कारवाई केली जाईल। तर माझ्या सर्वांना आव्हान राहील की 31 हा कार्यक्रम आपण आपल्या घरीच साजरा करा, बाहेर कुणी त्याचं करणार नाही, जेणेकरून हे नवीन जो ट्रेंड चालू आहे कोरोनाच्या संदर्भात तर त्याचा फायदा होणार। तर आपण मुंब्रा पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आहेत, म्हणून आपण कसं म्हणजे लोकांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देणार? मी माझ्याकडून सर्व मुंब्रावासियांना येणाऱ्या 2022 वर्षासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि लोकांना आवाहन करतो की आपण नशामुक्तीपासून दूर राहा, जर कोणी करत असेल तर पोलिसांना कळवा, त्याच्यावर 100% कारवाई केली जाईल।